मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु की बात तो कड़वी लगती है ना, गुरु के कहने में नहीं चलता जीव। ये भव में गोते खिलवावे, मन भव सागर में गोते खिलवाता है। संसार में खज्जल खुआर करने से शातिर मन के अलावा और कोई है ही नहीं, या तो मन या मन मति लोक। ये भव में गोते खिलवावे और ये गुरु से बेमुख करवावे। मन ही एक जालिम ताकत है, गुरु से बेमुख कब करवा दे? सारा ज्ञान सारा सब कुछ कब खाक में मिला दे? इस मन का कोई भरोसा नहीं। हम आपको एक ऋषि की बात सुनाया करते हैं, चलो नाम रहने देते हैं। वो ऋषि थे, सैकड़ों साल तपस्या की, जंगल में रहना, कंदमूल खाना, तपस्या करते रहना, तपस्या करते रहे करते रहे करते रहे। लगा कि तपस्या पूर्ण हो गई, जिसकी भी तपस्या करते थे देव आराध्य ने उनको खुशी दी, वहां से चल पड़े। रास्ते में एक दरिया था, नाव के द्वारा पार किया करते थे, तो नाविक के घर अंदर से कुंठी लगी हुई थी, नाव किनारे पे खड़ी थी। ऋषि जिसने कभी इंसान जात को देखा ही नहीं था, सैकड़े साल हो गए, सिर्फ जंगलात घोर वन में जाके तपस्या की, तो उसने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से आवाज आई, कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं हम ऋषि हैं और समुद्र पार करना चाहते हैं। तो अंदर से लड़की की एक आवाज आई, जी महाराज, जी बाबा जी, हम आ रहे हैं। वो लड़की बाहर आई, ऋषि को नाव में बिठाया। अब कभी किसी को देखा नहीं, मन ने करबट बदली। कैसे मन करबट बदलता है? करी कराई बंदगी सैकड़े सालों की, क्योंकि इसने तो ख्याल ही दे देना है, किसी को काम वासना का, किसी को क्रोध का, किसी को लोभ, किसी का मोह ममता बड़ी जागती है, किसी के लोभ लालच का चक्कर पड़ जाता है, कोई अहंकार में पागल हो जाता है कि मैं जानता हूं मुझे सब पता है। बड़ों को ऐसे कहते देखा है अहंकार में। तो ऋषि मुनि के अंदर भी मन ने करबट बदली और काम वासना की हिलोरें उठने लगी। समुन्दर था, चारों तरफ हरियाली, नाव और उस पे वो लड़की अकेली। तो कहने लगा कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करूंगा। लड़की कहने लगी, हे ऋषि, आप महान हैं, हम तो गंदगी के कीड़े के मानिंद हैं, मछलियां खाना मछलियां पकड़ना हमारा काम है। ऋषि कहने लगा, नहीं, मैं गंधर्व विवाह भी करूंगा। तो वो कन्या फिर भी कहने लगी, हे ऋषि वर, देखिए मेरे में से बदबू आती है, कहां आप में चेहरा ललाट आपका दमदमा रहा है, आप तपस्या करके आए हैं, तो आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरे में से बदबू आती है। तो ऋषि ने पानी की अंजलि भरी और अपनी तपस्या के बल पे कहने लगा, जा गंधारी हो जा। तो उस लड़की में से खुशबुएं आने लगी, सारी जो अंदर से गंध थी वो चली गई और बदबू चली गई और सुगंध से शरीर भर गया। लड़की फिर कहने लगी, नहीं, ये ठीक नहीं है, देखिए ये समुन्द्र देव हैं, ये देख रहे हैं। उसने फिर अंजलि पानी की भरी और यूं फेंकी, या टापू बन जाए समुन्द्र रास्ता छोड़, तो वहां जगह में टापू बन गया, समुन्द्र रास्ता छोड़ गया। लड़की फिर भी जसद की पक्की कि ना ऋषिवर, आपकी भक्ति ऐसा ना कीजिए, देखिए ये सूर्यदेव या चंद्रदेव जो भी थे ये भी देख रहे हैं। तो उसने अंजलि भरी और फिर कुछ बुदबुदाया अपनी तपस्या का जोर जो बचा खुचा था, लगाया और पानी ऊपर फेंक दिया कि जा बादल हो जाएं, ये छुप जाए। तो बादल हो गए घने, वो छुप गया और जब निगाह मारी तो अंदर कुछ भी नहीं। इतने सालों की बंदगी, इतने सालों की तपस्या काम वासना के एक भयानक तीर ने पल में खत्म कर दी। तो प्यारी सत्संग जियो, काम वासना क्रोध लोभ लोभ लालच क्रोध गुस्सा और मोह ममता, कभी बेटे का कभी बाप का कभी मां का कभी बहन का पति पत्नी का कभी किसी का भी, क्या पता कब करी कराई भक्ति को डुबो दे, या फिर अहंकार, बहुत अहंकारी पुरुष होते हैं। आप सोचते हैं जो सत्संग में आ गया वो तो सुधर जाता होगा, ना ना, सत्संग का फल आत्मा के कोटे में तो जमा होता है,
पर कामवासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया से तभी बचा जाएगा। नंबर एक दृढ़ विश्वास, नंबर दो सुमरण का पक्का, नंबर तीन परमार्थी और अपने सदगुरु से भय खाने वाला जीव इन सातों से बच सकता है, अन्यथा इनसे बचा नहीं जा सकता। चाहे सुबह शाम हाजिरी भरो, उसका फल आपको 100% मिलेगा, आत्मा का कल्याण होगा ही होगा। लेकिन जीते जी अगर इन सातों से जीत हासिल करना चाहते हैं तो सत्संग सुन के अमल करना लाजमी है।